So hi everybody, so we were discussing about promissory note in our previous class. तो अभी तक हम लोग ने इसमें कुछ बेसिक चीजें समझी थी. तो आज हम लोग देखेंगे payable to bearer क्या होता है, payable to order क्या होता है, उसके आगे भी समझेंगे क्या होता है. ठीक है, तो payable to bearer क्या हो गया. ठीक है, अब promissory note जिस भी बंदे के हाथ में है, ठीक है, और उसपे किसी स्पेसिफिक आदमी का नाम नहीं लिखा है कि ये उस पर्टिकुलर आदमी का है, देन जिस बंदे के हाथ में होगा तो सारे उससे जो बेनिफिट मिलेगा प्रॉमिसरी नोट का तो उसी पर बंदे का हो जाएगा. ठीक है, तो पेबल टू बेरर हो गया, हूएवर हैज द पोजीशन विल गेट द पेमेंट पेमेंट. ठीक है ना. दूसरा होता है पेबल टू ऑर्डर. ठीक है, पेबल टू ऑर्डर हो गया पेमेंट मेड टू अ स्पेसिफाइड पर्सन. ठीक है, पेमेंट मेड टू अ स्पेसिफाइड पर्सन. इसका एग्जाम्पल समझते हैं. आई प्रोमिस टू पे बी रुपीज 1000 टू ऑर्डर. ठीक है, अब इसका ये मतलब हो गया. आगे आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा, आपको मतलब समझ में क्लियर आएगा. इसको और समझते हैं. तो पेबल टू ऑर्डर का लिखने का तरीका क्या हो गया, कैसे कैसे तरीके हैं पेबल टू ऑर्डर लिखने का. आई प्रोमिस टू पे टू बी और हिज ऑर्डर. ठीक है, और हिज ऑर्डर का मतलब हो गया जिसे बी कहेगा ये प्रोमिसरी नोट का पैसा उसको मिलेगा. ठीक है, ये हो गया और हिज ऑर्डर का मतलब. आई प्रोमिस टू पे बी और हिज ऑर्डर रुपीज 1000. ठीक, दूसरा तरीका हो गया आई प्रोमिस टू पे बी रुपीज 500 टू बी ओनली. ठीक है, तो अब ये किसी के भी हाथ में हो उससे मतलब नहीं है. पैसा बी जब बी इसको यूज करेगा तब बी के ही हाथ में पैसा आएगा. नो मैटर हूएवर इज इन द पोजिशन, पैसा जब बी प्रोमिसरी नोट को यूज करेगा तभी मिलेगा. ठीक है, पेबल टू, देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं एग्जाम्स में आती हैं. पेबल टू बीरर कैन ओनली बी इशूड बाय आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ठीक है, ये आरबीआई एक्ट के सेक्शन 31 में लिख रखा है. ठीक है, और पेबल टू ऑर्डर कैन बी इशूड बाय एनीबडी. ठीक है, अब देखिए प्रोमिसरी नोट कैन ओनली बी मेड पेबल टू ऑर्डर. ठीक, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट. इट कैन नेवर बी मेड पेबल टू बीरर. ठीक है, पेबल टू बीरर अगर आपको करना है प्रोमिसरी नोट तो दैट कैन ओनली बी मेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर आरबीआई. ठीक, another important point, promissory note must be properly stamped according to stamp act 1899. stamp act ke तहत it should be properly stamped. ठीक, अब देखते हैं bill of exchange पढ़ते हैं क्या होता है. हम लोग ने promissory note पूरा पढ़ लिया, now we will study about bill of exchange. ठीक है, अब listen carefully, bill of exchange थोड़ा सा technical है. ठीक है, check जैसा ही है लेकिन check के अलग provision से, bill of exchange के अलग provision से. तो bill of exchange पढ़ते हैं क्या होता है. बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है, वन पर्सन ऑर्डर्स अदर पे टू थर्ड पर्सन. ठीक, आप समझते हैं इसको और क्लियरली समझते हैं. इट इज ऑर्डर टू पे. ठीक, पर्सन ऑर्डरिंग हो गया ड्रॉअर. ठीक, वन हु इज ऑर्डर्ड टू पे इज कॉल्ड अ ड्रॉई. ठीक, और वन हु इज द बेनिफिशियरी ऑफ दैट बिल ऑफ एक्सचेंज इज कॉल्ड पेई. ठीक है, तो ए ने बी को ऑर्डर करा कि पैसा सी को दे दो. ठीक, ये हो गया, इसमें ए हो गया ऑर्डर, ए हो गया ड्रॉअर, बी हो गया ड्रॉई. ठीक, और सी हो गया पेई. ठीक है, ऑर्डर करने वाला हो गया ड्रॉअर, जिसको ऑर्डर दिया गया वो हो गया ड्रॉई, और जिसके बेनिफिशियरी जिसके लिए जिसको पैसा मिला वो हो गया पेई. ठीक है, एसेंशियल समझते हैं क्या होता है. बिल ऑफ एक्सचेंज के एसेंशियल्स है, इट मस्ट बी अ ऑर्डर टू पे. ठीक, इसमें तीन पार्टीज होती हैं. ठीक, तीन पार्टीज कौन कौन होंगे, ड्रॉवर, ड्रॉई, पेई. और इसमें इट हैज ऑल द फीचर्स ऑफ प्रोमिसरी नोट, जैसे मनी के लिए होना चाहिए. ठीक है, इट अनकंडीशनल होना चाहिए, फिक्स्ड अमाउंट के लिए होना चाहिए. ठीक है, इट मस्ट बी प्रॉपरली स्टैम्प्ड होना चाहिए, ये सब है. ठीक है, अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज, बिल ऑफ एक्सचेंज नीड्स एक्सेप्टेंस बाय द ड्रॉई. ठीक है, ड्रॉ है, अगेन वी मस्ट अंडरस्टैंड हु इज अ ड्रॉई. ए बी को ऑर्डर करता है कि सी को पैसे दे दो. ठीक है ना, ए बी को ऑर्डर कर रहा है कि सी को पैसे दे दो. तो इसमें जो बी है, ठीक है ना, जो ड्रॉई है, ठीक, उसका बिल ऑफ एक्सचेंज का उसका एक्सेप्टेंस होना बहुत जरूरी है. ठीक है, बिना उसके एक्सेप्टेंस के जो बिल ऑफ एक्सचेंज है उसकी कोई वैलिडिटी है नहीं. ठीक है ना, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है बिल ऑफ एक्सचेंज में. ठीक है, जो ड्रॉई है उसका एक्सेप्टेंस होना बहुत जरूरी है. ठीक, आगे पढ़ते हैं. ए मेक्स बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर सी एंड प्रेजेंट्स इट टू बी. तो यहाँ पे ए हो गया ड्रॉअर, बी जो है ये हो गया ड्रॉई, और सी हो गया
बेनिफिशियरी या पेई, ठीक है आगे पढ़ते हैं। प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज में हम लोग डिफरेंस देख लेते क्या है, ठीक है। प्रोमिसरी नोट क्या है, इट इज द प्रोमिस टू पे, ठीक है। बिल ऑफ एक्सचेंज इज द ऑर्डर टू पे, ठीक है ना। ऑर्डर किसको दिया जा रहा है, ड्रॉई को ऑर्डर दिया जा रहा है पैसा देने के लिए, ठीक। और प्रोमिसरी नोट इज द प्रोमिस टू पे, ठीक। आगे पढ़ते हैं, प्रोमिसरी नोट में दो पार्टीज हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज पे तीन पार्टीज है, सिंपल, ठीक है। प्रोमिसरी नोट डज नॉट रिक्वायर एक्सेप्टेंस, बिल ऑफ एक्सचेंज रिक्वायर्स एक्सेप्टेंस बाय द ड्रॉई। काफी इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए, एग्जाम्स में आता है, ठीक। अब देखिए बिल ऑफ, अब कोई चीज अगर है तो उसको समझते हैं क्या है, ठीक। पेबल ऑन, काफी आप एनआई एक्ट में काफी बार देखेंगे पेबल ऑन डिमांड लिखा हुआ है, तो उसका मतलब समझते हैं क्या हो गया, ठीक है। पेबल ऑन डिमांड का मतलब हो गया, आई प्रॉमिस टू पे ₹500 टू बी ऑन डिमांड, ठीक। अब क्या है इसका मतलब, ये हो गया, मैंने एग्जाम्पल पढ़ा आपको, अब इसका मतलब ये हो गया, बी कैन आस्क फॉर मनी एनी टाइम, ठीक है। ऑन डिमांड मतलब कि बी जब डिमांड करे आपको पैसा देना है, ठीक, बीज चॉइस, ठीक। अब देखिए दूसरा हो गया पेबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड, ठीक। अब इसका कई मतलब हो सकते हैं, लेकिन जनरली एक जो एक्सेप्टेड नोशन है वो ये है, वेट फॉर द फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम। मैंने क्या कहा है कि इसके कई सारे नोशन हो सकते हैं, लेकिन वन ऑफ द मोस्ट एक्सेप्टेड नोशन इज पेबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड का है, कि कुछ समय रुकने के बाद पैसा दिया जाए, ठीक। अब समझते हैं इसको, डिफरेंट वेज ऑफ राइटिंग पेबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड के अलग अलग तरीके हैं लिखने के। पहला है आई प्रॉमिस टू पे बी ₹100 ऑन 1st April 2020, ठीक। अब लिखा हुआ है बी आफ्टर 1st April 2020 कैन डिमांड, ठीक। बी 1 अप्रैल 2020 के पहले डिमांड नहीं कर सकता पैसे के लिए वो, ठीक। इसका मतलब ये हो गया। दूसरा तरीका है आई प्रॉमिस टू पे बी ₹500 प्रॉमिस टू पे ₹500 टू बी 3 months आफ्टर डेट, ठीक। अब देखिए आफ्टर डेट का मतलब हो गया आफ्टर द डेट ऑन विच प्रोमिसरी नोट केम इनटू एग्जिस्टेंस, ठीक। तो जिस दिन प्रोमिसरी नोट केम इनटू एग्जिस्टेंस उसके तीन महीने बाद कभी भी मांग सकता हूँ, ठीक। आई प्रोमिस टू पे बी ₹500 टू मंथ्स आफ्टर साइट, ठीक। इसका मतलब ये हो गया बी गेट्स प्रोमिसरी नोट फ्रॉम ए, बी शोज बैक टू ए ऑन 1/1/2020, ठीक। देन अब 1/1/2020 से जब उसने ए ने देख लिया है तब से 2 महीने के समय के बाद कभी भी मांग सकता है पैसे वो अपने, ठीक है। अब देखिए जो चेक है, चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज पेबल ऑन डिमांड। एग्जाम्स में रिपीटेड क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए कहीं, बार बार याद करिए, चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज पेबल ऑन डिमांड, ठीक ठीक है। अब ये चेक, यहाँ से हम लोग कल से चेक पढ़ेंगे क्या होता है, तो वीडियो यहीं पर रोकते हैं और चेक के बारे में कल से पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।